यस बेटे, अपनी कहानी है अज दी अंग संग। अंग संग दा वैसे अपना शाब्दिक मीनिंग लईए कि जिहड़ा साडे नाल है, जिवें असीं कहिंदे साडा परमात्मा साडे अंग संग है। ठीक है, हुण इह कहानी पढ़ के पता चलना कि इस कहानी दा सिरलेख ढुकवां है जां नहीं, कि अंग संग शब्द इस कहानी दा क्यों रख्या, और लेखक कौन है? वरियाम सिंह संधू, जिसने खास करके लंबी कहानियां ही रचियां ने। लंबियां कहानियां लिखण दी इहनूं परवानगी हासिल होई है। इसका जन्म होया 1945 पिंड चवंडी कला, चविंडा कला अमृतसर, जलंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में यह लैक्चरर रहा। और इसने अपनिया कहानियां का विशा की लिया, जिहड़ा अज दा साडा पेंडू समाज है, अजोका पेंडू समाज, किसानी जीवन, किसानी परिवार दे विच किस तरह आर्थिक हालात जदों माड़े हो जान, आर्थिक हालात जदों बदल जान, तां उहदे करके परिवार नूं क्यों जा दुख संताप भोगना पैंदा है। दुख संताप कदा? आर्थिक मंदहाली दे कारण। आर्थिक मंदहाली का जिम्मेवार कौन है? एक तो आप कह दें हालात, ठीक है, किसानी जीवन दियाँ जड़ियाँ लोड़ा जो पूरियां ना होन। एक होंदा कि घर का एक बड़ा हैड है जड़ा, जिसनों एक बाकी परिवार के जीवन ले मिसाल बनना चाहिए, तो जे वह अपनी विवेक बुद्ध तो कम ना ले, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ते ओहो माड़ी सोभत का शिकार हो जाए, अलामता का शिकार हो जाए, शराब, नशा, जुआ, अजे करके अपनी जिंदगी तो बर्बाद करनी है, पर अपनी जिंदगी बर्बाद करन दे नाल नाल परिवार दे लई कंडे बीजना, परिवार दे लई मुश्किलां पैदा करनियां, परिवार दे लई आर्थिक परेशानियां आ जानियां। अजिहा ही इस कहानी विच है। करतार सिंह जो कि इस कहानी का मुख पात्र है, जिसने अपने समय बहुत ऐश की, कि सिर ते अपने पिता के सिर ते। एक कहानी हुण आपां रीड करते हैं, मध्य वर्ग नाल रिलेटिड कहानी है, किरतियां दे जीवन की कहानी है, किसान दे जीवन की कहानी है। कि इस कहानी दे विच करतार जो कि अपने पिता की कमाई के सिर ते ऐश कर रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद नूं तां कुछ समझदा ही नहीं है, वह पिंड दियां जिहड़ियां लोकां दियां ढाणियां ने ना, टोलियां बनाईयां होईयां ने पिंड दे लोकां दियां, उहनां दे विच वह अपनी समां वाली डांग लैके, जिवें आपां कहिंदे ना कि जिहड़ा जट है जदों उहदी फसल पक जांदी है ते समां वाली डांग लैके उह मेले विच पहुंचदा है, उहने डांग फड़ी हुंदी है ते घुम्मदा फिरदा है। माड़ी सोभत दा शिकार होया होया, माड़ी सोभत दे शिकार होण करके उसने सारा पैसा जो भी अपने पिता दा आंदा है उन्हों ऐश इशरत विच बर्बाद कर दिता। उसका पिता अमरीक दा दादा कुछ समा अपने पिंड विच रहा, उस तो बाद वो बाहर चला गया सिंगापुर। सिंगापुर दा विच जाके उत्थे खूब कमाई कर रहा। कौन? करतार दा पिता, अमरीक दा दादा। वो दो चार साल बाद आंदा है पिंड जदों उन्हों वक्त मिलता, पर वो बाहरों पैसा भेजी जा रहा है। तो जदों बाहरों पैसा भेज रहा है, उसकी बाहरों कमाई आती देख के ना करतार नूं बड़ी अपने आप च चढ़ मची हुई है, वो सारे पैसे नूं बर्बाद करी जा रहा है, सारे पैसे नूं फजूल खर्ची कर रहा है। जिहड़ी करतार की माँ है वो उसनूं रोकदी है कि अजिही सोभत छड्ड देवे, पर करतार अपनी मां का भी लिहाज नहीं करता। मां का नाम की है? करतार की जड़ी पत्नी है वह जगीर कौर है। करतार की मां का नाम भी नहीं आया, पिता का नाम नहीं आया, जड़े अमरीक दे दादा दादी ने। करतार नू उसकी पत्नी जगीर कौर अजे कमां तो रोकदी है, तो उस नाल उसका बिहेवियर किदां दा है? बहुत ही माड़ा, मार कुटाई वाला। ये तो आप अपने चुगिरदे भी झाती मारीए ना, कि जिस घर विच शराब होएगी, नशे होणगे, वो अपने घर के जीआं दी कोई कदर नहीं करता,
खास करके जड़ी पत्नी है ना उन्हें तो उन्हें टुट के पैना, उन्होंने मार पिटाई भी करनी है, उदी कोई भी गल उन्हें चंगी नहीं लगनी, हर गल विच टोका टकाई होनी है। हुण अजिहा करतार जिहड़ा कि पिता दे सिर ते ऐश करदा, शराब नशियां दा शिकार होके जिंदगी तो हथ धो बैठा। हुण कहानी शुरू हुंदी है असली कि जदों जिंदगी तो हथ धो बैठा, मीन्स अमरीक दा पिता करतार जिहड़ा मर गया, कादे कारण? जिंदगी नाल खिलवाड़ किया नशियां दे कारण। हुण बाहरों आंदा पैसा भी बंद हो गया, जदों वह भी दादा भी जिहड़ा बुजुर्ग हो गया बाहरों, उन्हें पैसा भेजना भी बंद कर दिता। रिश्तेदारां दी सलाह नाल उन्होंने बंदा रखिया वाही करवाउंदा, ते उन्होंने थोड़ी बहुत कमाई उत्थों आउंदी। मां जिहड़ी उसनों अमरीक है जिहड़ा महिंदर है जिहड़ा छोटा भरा है, किस्सा छोटा भरा है महिंदर अमरीक दा, करतार दे दोनों पुत्तर ने। करतार ने तो अपने ज्यूदे जी कदे कोई परवाह नहीं की, कोई जमीन जायदाद की परवाह नहीं की, कोई वाही का काम नहीं किया। करतार सिंह की भैन है जड़ी, मीन्स अमरीक ते महिंदर की भूआ, वह अपनिया दो कुड़िया का विआह आ गया उन्हों का, तो करतार ने जड़ी जमीन पई सी वह गहने धर दी कि भैन दे कुड़िया के विआह ते जाना है, किवें जाना है, क्योंकि भैन ने तो ऑर्डर कर दिता कि जिहड़ा मेरा भरा है वह बन ठन के मेरे विआह च पहुंचना चाहिए, मेरे कुड़िया का विआह है, मीनस नानकी छक लैके पहुंचना है, क्योंकि मामिया का बड़ा वड्डा रोल हुंदा। यह सब कुछ करतार ने की किया सी अपने जीवंदे जी, मीन जड़ी पहली सी वाहन वाली खेत सी वह भी गहने धर दिती सी, गहने धर दिती। ते जदों किते फिर भी पैसे की कमी हो गई, करतार ने की किया अपनी पत्नी दियां जिहड़ियां टूमां हुंदियां ने, मीन्स वालियां गहने, वह भी वेचण ते आ गया, उहदे तों वह भी मंग ले। तुहानूं इह आपां अपने आले दुआले देखते हैं जिन्हां दे घर विच किसी नूं भैड़ी आदत पै जाए शराब की नशियां की है ना जुएबाजी की, तो वह तो घर का एक एक भांडा विक जाता, जमीना जड़िया होंदिया ने वह भी गहने धर दित्तियां जांदियां, अजे लोग करजाई हो जाते हैं। तो जे कि उसकी पत्नी उन्होंने गहने गुने देने तो इनकार कर दी तो वह उन्होंने मारदा कुटदा सी बहुत बुरी तरह थापी लैके, जिवें पिंडां दे घरां विच कपड़े धोण वाले सोटा हुंदा थापी हुंदी उहदे नाल चुक के उहनूं कुटना शुरू कर दिंदा सी, इन्ना बुरा वर्ताव। और उस समय अमरीक उसका छोटा भरा महिंदर ये सब कुछ देखते हैं, जबकि उन्होंने तो बड़े अच्छे पिता की कल्पना की सी कि उन्हों का पिता बहुत अच्छा होएगा। अमरीक ने तो खास करके अपनी कल्पना विच लिया सी कि बचपन ही कि उसका पिता उन्होंने बहुत लाड़ प्यार करेगा, पर अजिहा सब कुछ उन्होंने नहीं मिलिया। जदों वह अपनी माँ को पिता वालों कुटदिया देखता तो उत्त देखा नहीं जाता, वह बहुत ही रोंदा करलाउंदा। हमेशा अमरीक पिता के जाने तो बाद भी मंजे ते पिया सोचता रहिंदा कि मेरा पिता किदां दा निकलिया। कई बार तो उसकी माँ ने ना पिता के जे बिहेवियर करके, इसे करके आप कहने कि करतार है जिहड़ा मुख पात्र क्यों, क्योंकि सारी गलबात ही उहदी चलनी है अमरीक की वार्तालाप राही। जदों आप कहानी पढ़नी है करतार दे बुरे वर्ताव कारण उसकी पत्नी जगीर कौर ने, भाव के अमरीक ते महिंदर की माँ ने बड़ी वारी डुब के मरण की सलाह बनाई कि मैं डुब के मारे जाना, कितने दूर जाके मर जाना, कि मेरे तो हुण ना ये दुख बर्दाश्त नहीं होंगे कि जो मेरा पति मैनू दे रहा, क्योंकि वह पत्नी ने बच्चे भी पालने हैं और घर बार भी देखना। बच्चे मीन्स केड़े बच्चे? अमरीक है, छोटा भरा महिंदर है, तो होर तीन भैणा भी इन्हां दियां, पांच बच्चे ने करतार दे। पिंडां दे विच तां तुहानूं पता ही है कि जमीना जायदादां संभालण दे लई कहिंदे कि जिन्ने घर दे जी होणगे उन्ने खेती दे काम विच हथ वटाउणगे,
ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ, ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 45 ਈਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ? ਅਮਰੀਕ 'ਤੇ। ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਬੇਟੇ? ਅਮਰੀਕ 'ਤੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕਰਤਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ? ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਅਮਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅਮਲੀ ਪਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਅਮਲੀ ਸੀ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਖੇ ਸੁੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਈ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਮੀਨਸ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦਾ? ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ? ਅਮਰੀਕ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ 1650 ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਯਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ 1650 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਮਰੀਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਹੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
छोटे भरा महिंदर तो ये आस रखी है कि तू वाही दा काम करना, कि वह वाहीवाद दा काम करे ते जड़ी गहने पई जमीन है वो छुड़ाई जा सके, ताई छुड़ाई जा सकती। उन्हें महिंदर नू बड़ा हौसला दे के तकड़ा करके हिम्मत दे के काम विच जुटन लई कहा ते आख्या कि वो जड़ी पौना किला जमीन बची पई है ना, बाकी तो दो दो तीन किले तो पहला ही वेच दित्ती, कुड़िया दे दो विआह करके गया जिंदे जी, एक कुड़ी का विआह रहिंदे आ। ते जदों उन्हें कहा ना कि तू ऐ जमीन ते पौना किला जमीन जड़ी पई है ना इहदे ते तू ना अपना वाही का काम कर लै, पट्ठे बीज लै, खास करके पट्ठे बीजन लई कहा कि पट्ठे बीजांगे पशुआं का चारा भी तैयार हो जाएगा। पर उत्थे उसनू पता लगता है किदे राही जगीर कौर करतार दी पत्नी राही बच्चियां दी मां राही पता लगता है कि वह तो उसने गहने पाई, वह भी जमीन वह आपां पहलां ही ऑलरेडी डिस्कस किया। इंस्पैक्टर ने दसिया कि 1650 रुपए खाद का कर्जा भी है ते नाल ओह जमीन भी गहने पाई हुई है, केड़ी पौने किले जमीन जिदे विच उन्हें वाही करन लई अपने छोटे भरा नूं तकड़ा किता सी। पर उत्थे भी गल नहीं बनी, हुण नाल ही उसनूं महिंदर तों इह वी पता लगदा है कि करतार सिंह ने खाद नगद वेच के पैसे वरत भी ले सन, जिहड़ा खाद का 1650 रुपए सी वह भी वरत लिया होया सी। अमरीक नूं इह गल्लां सुन के ना बहुत दुख होया ते गुस्सा भी चढ़िया कि इह जिहा साडा पिता। ते अपनी मां नूं भी पुछदा जगीर कौर नूं भी तू इन्नियां गल्लां साडे तों क्यों छुपाईआं, जां तुहानूं पता सी कि साडा पिता इहो जिहा ऐबी है शराबी है ते उहने गहने जिहड़ियां जमीनां धरियां होईआं ने साडी नमोशी तां ना हुंदी बरादरी विच। हुण जदों सानूं लोकां कोलों पता चलदा है, सोसाइटी दे इंस्पैक्टर कोलों पता चल रिहा है कि उन्हें जमीन है जड़ी गहने धरी हुई है करजाई है साडा पिता 1650 रुपए का, अजिहा सोच के और उन्होंने एक होर गल पता चली कि साडे पिता ने होर भी बहुत सारा व्याजी पैसा फड़िया होया, पर वह दस नहीं सी सकते, डरदे सी। कौन? उसकी पत्नी जगीर कौर। इस समय वड्डी कुड़ी भी जड़ी सी वड्डी कुड़ी है जड़ी व्याही हुई है उन्होंने सारी गल पता सी क्योंकि उन्होंने व्याह किए सन, वह भी डरते सन कि घर का माहौल खराब होएगा घर विच तनाव हो जाएगा। इस तरह अजे कहानी हुण एंड ते पहुँचती है। सारी कहानी विच करतार सिंह नूं लैके ही अमरीक सिंह जगीर कौर महिंदर सिंह छोटा भरा सब अपने पिता के बारे सोचने ने कि जिस घर विच अजे हैड होन जिन्होंने घर नूं चलाउणा हुंदा जिम्मेवारियां चलाउणियां हुंदियां जिम्मेवारियां निभाउणियां हुंदियां अजे पिता जे अजे होन तां घर दा गुजारा किदां चलना, कि भुगतना तां परिवार दे जीआं नूं पैंदा है। इहदा मतलब हुण अमरीक सोचदा है कहानी दे अंत विच की सोचदा है कि इस हिसाब नाल तां जिहड़ी 2 किले जमीन बचदी भी सी ते उह जिउंदा रहिंदा उह भी चले जाणी सी उह भी गहने पै जाणी सी। इह सुण के महिंदर ने कहा पिछे रहि जाणा सी ठुण ठुण गोपाल, थोड़ी जी इंटरस्ट पैदा करन लई पाठक जिहड़े पढ़न वाले ने उह इदां दी हासरस वाली लैंग्वेज भी यूज कीती है। इह गल्लां करदिआं विचारे घर दे जी जिहड़े ना ओपरा जिहा हासा हसदे ने, अंदरों तां विचारे मानसिक तनाव नाल भरे हुए ने, परिवार का एक एक जी जिहड़ा है वह हौली जिहे हसदा कि चलो जिंदगी च हुण उह जिहड़ा इंसान चला गया उहनूं लैके भी यही गल्लां हो रहीआं ने। सारियां गल्लां बातां नाल ही इन्नी लंबी कहानी चलदी है, जिवें उहनां नूं लगदा है कि हुण सानूं सारिआं नूं मिल के ना परिवार दे जीआं नूं मिल के ना आपां हुण अगे तों इह सोचना है कि अजिही अगली आने वाली जनरेशन विच कोई अजिही इदां दी गलती ना करे जिहड़ियां गलतियां साडे पिता ने कीतियां, पिता दीआं कीतियां होईआं गलतियां परिवार नूं भोगनियां पै रहीआं। ते सब तों वड्डा की भोगना पै रिहा? आर्थिक संताप। जिस घर की आर्थिक हालत मंदी होवे ना उस घर दे विच खुशी कित्थों होनी है? ये आपां इस कहानी विच हुण पढ़ना है। क्लीयर है? हुण कौन रीड करेगा बेटे? रीडिंग करो स्टार्ट। यस बच्चे,
यस बच्चे दक्ष रीडिंग करोगे बच्चे दक्ष आज दक्ष तो करवानी है रीडिंग दक्ष है कव्यांश कव्यांश प्रेजेंट है आज बॉयज दे नेम लेके कहानी कंप्लीट करनी है बॉयज ने रीडिंग करनी है यस बच्चे कहानी लंबी है थोड़ी जी और स्पीड नाल पढ़नी है क्योंकि तुहानू कहानी सारी समझ आ गई है सिर्फ औखे शब्दों ने मीनिंग करने ये हुण कहानी स्टार्ट कित्थों होनी है जदों भोग पै गया करतार दा फिर पूरी कहानी अमरीक दी वार्तालाप राही ही नेपरे चढ़नी है यस बेटे कौन करेगा रीडिंग यस बच्चे स्टार्ट करो फिर आप मैं ही रीडिंग करांगी अगो तुहानू शॉर्ट फॉर्म च करवाऊंगी तुसी अपने आप करो फिर सैल्फ रीडिंग करनी है स्टार्ट तो करो फर्स्ट पैरा तो रीड करो पलक माधव बच्चे इदा गल नहीं बनी बलजिंदर तुसी मैं लगता अपने को बुक ही नहीं रखी हुई बच्चे बोलो कौन करेगा रीडिंग इस तरह नहीं ना बेटे गल बननी सारी कहानी तुम्हें समझाती है अच्छा कहानी कौन सुनाएगा जो सुनी है एक ये तो देखिए कि अच्छे लिसनर बन के तुसी की सुनिया कव्यांश हाँ जी बच्चे की सुनिया कहानी च कौन मुख पात्र है ते किस कारण परिवार का माहौल है जड़ा तनाव भरिया होया नो वन रेडी टू गिव आंसर चलो फर्स्ट पैरा अज भोग पै गया सी रसम अनुसार वड्डे मुंडे अमरीक नूं नानके जिम्मेवारी नाल पग बना गए जिवें हुंदा एक दस्तूर बनिया है कि जदों कोई इंसान दुनिया तो चले जांदा और चलिया भी जावे तो छोटी उम्र विच ही जदों दे जिम्मेवारियां निभाउण दा समा है 45 साल दी उम्र विच फिर जिम्मेवारी किहदे ते पा दित्ती जांदी है जिहड़ा घर विच वड्डा पुत्तर होवे हुण इह कौण बनदा पग दी रस्म कौण करदा नानके वाले सारा परिवार हनेरी रात विच बाहरों बार आपो अपनी मंजियां ते लेटिया होया सी एक चुप हनेरे वातावरण विच तनी होई सी तनी हुई मीन्स वातावरण बड़ा ही तनाव भरिया वो जो जा चुका सी अजे भी मुस्कुरांदा हसदा गुस्से हुंदा रोंदा मझां चौंदा पट्ठे कुतरदा डंगर खोलदा बंदा उन्हां नूं पानी पिआउंदा हल वाहुंदा जियां नूं वरचाउंदा मारदा कुटदा वख वख रूपां विच सारे जियां दे मन विच फिल्म वांग चेहरे बदल रहा सी कौन करतार अंग संग कहानी इसे करके है कि चला भी गया भोग भी पै गया कई बार कहिंदे ना कि उहदी अजे मुक्ति नहीं होई ते अजे भी उहनां नूं लगदा जिहड़े सारे अपनी अपनी मंजी ते सुत्ते पए ने कल्पना विच सोच रहे ने कि उहनां दा पिता जिहड़ियां जिहड़ियां हरकतां करदा सी कम भी करदा सी पर नशे भी करदा सी और पैसा भी अजाई गवांदा सी उह सारे सीन एक दृश्य एक फिल्म जी उहनां दे मन विच घुमदी है ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚੁੱਪ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰੇ ਡੰਗਰ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹਨ ਉਹ 2 marks ਆਉਣੇ ਨੇ ਪਰ 1 mark ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ 2 marks ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦੇ
ठीक है। इस करके सारे वन मार्क क्वेश्चंस करते करते ही टू मार्क्स क्वेश्चन आने, कहानी चो वड्डे प्रेशर नहीं आने, कहानी चो सिर्फ टू मार्क्स क्वेश्चन आने, इक्को ही कहानी है तुहाडे सिलेबस जिदे चो टू क्वेश्चन आने, और ये नहीं है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है, हरेक पैरे नाल रिलेटेड क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है बच्चे। इक्को ही कहानी है सिलेबस च अंग संग, इहदे विचों क्वेश्चन इहदी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की है टू मार्क्स क्वेश्चन। यस, अमरीक जो कि सरकारी मुलाजम सी लेटिया होया पिछले दिनों बारे सोच रहा सी, पिछले दिन मीनस कोई दस सकदा पिछले दिन मीनस कहानी सुन रहे हो पिछले दिन का भाव मैम जो जी जो उसने अपने पिता नाल समा बताया सी, पिता दे हुंदिया होया ते भी केल जे पिता दी कल्पना कीती ते पिता की निकलिया ते घर दा माहौल क्यों खराब होया, वो पिछले दिनां नूं याद करदा है। की याद करदा है? जेड़े दिन उसने उसदे पिता करतार सिंह दी मौत तो पिछो एक काले परछावे वांग उसदे नाल नाल तुर रहे सन, वो काला परछावा बन के तुर रहा है। इसे करके कहानी का नाम है अंग संघ। इन्हां दिनां विच वह अपनी उम्र नालों अपने आप नूं वड्डा महसूस करन लग पिया, हुण तां वड्डा तां महसूस करना है, सारी जिम्मेवारी पै गई अपनी उम्र नालों, वड्डे काम पै गए ने, पिता चला गया, भावें पिता जिस तरह का मर्जी सी पर पिता दे हुंदे उन्होंने जिम्मेवारी तो नहीं सी पी ना, भावें वह शराबी सी नशे करता सी पर वह कितना कितने खेतीबाड़ी का काम करके घर का निर्वाह भी करता, भावें घर में सब नूं दुखी करता सी, दो बेटियां दी मैरिज भी करके चला गया। इन्हां दिनां विच अपनी उम्र नालों अपने आप नूं वड्डा महसूस कर लगा, जिवें कूले वेहड़के नूं हली जो दिता होवे। इहदा की मतलब है? कूले वेहड़के नूं, वेहड़का मीन्स वच्छा, जिहड़ा कि अजे पूरी तरह जिहड़ा विकसित नहीं होया उहनूं हल वाहुण दे लई ला दिता जावे अगे, कूले नूं नरम नूं विचारे नूं जिहदी जिंदगी च अजे जिम्मेवारी पैण दा वक्त नहीं है, एक वच्छा वच्छी ने जिहड़े कि विचारे अजे आप ही लाड़ प्यार लैण वाले ने, उहनां नूं कितें हल जोतण लई ला दो, किसान उहनां नूं अपने हलां दे नाल खेती करन लई ला लवे तां उह विचारियां ते किन्नी बीतेगी। यही हाल किहदा होया? अमरीक दा। विचारे दी उम्र अजे अपने पिता दे सिर ते ऐश करन दी सी, हस खेड़ के जिंदगी बिताण दी सी, जबकि पिता दे जाण कारण सारी जिम्मेवारी कच्ची उम्र च पै गई, कूले मीन्स कच्ची उम्र च पै गई, किहदे ते? अमरीक ते। उसनूं तां अजे इस दा चित चिता भी नहीं सी कि मेरे नाल इह कुछ हो जाएगा, कि इन्नी छोटी उम्र च मेरे ते जिम्मेवारी पै जाएगी। उसनूं तां छोटा भरा महिंदर लैण गया तां उस तों पता लगा कि करतार सिंह ने खबरे राती बहुत ज्यादा नशा पी लिया। उहनूं पता भी कदों लगा कि जदों उह छोटे भरा ने आ के सुनेहा दिता कि पिता जी नहीं रहे, नशा पी लिया, खबरे वाह वज गई सी सवेरे जदों चाह बना के डंगरां कोल सुत्ते नूं। अमरीक दी मां जगीर कौर जगाउण गई तां उह बेहोश पिया सी, उह सां करड़ करड़ करके आ रहा सी। उसे वेले पिंड दे डॉक्टर नूं सद्या, उसे जवाब देण ते टैक्सी करके उह शहर हस्पताल लैके गए, ते दूजे दिन महिंदर अमरीक दी मां ते अमरीक तिन्ने ही करतार दी लाश शाम दे कुसमुसे विच, शाम दे हनेरे विच, जदों कुसमुसा की हुंदा है जदों सूरज छिप रहा रात आ रही है, पिंड लै आए क्योंकि डॉक्टर ने उन्हों डेड बिल्कुल क्लीयर कर दिता, डिकलेयर कर दिता कि इहदी डैथ हो चुकी है, शराब दे नशे कारण होई, गुड़ुच होके गुट होके पिया सी। वड्डी कुड़ी बंसो, हुण वड्डी कुड़ी दा नां देखो, वड्डी कुड़ी दा नाम की है? बंसो। वड्डी कुड़ी बंसो जो प्यो दी बीमारी सुन के सोहरों आ गई सी, दो कुड़ियां व्याहियां हुई हैं, वड्डी कुड़ी दा नाम आया, प्यो दी लाश आई सुन के चिक्का मार दिए, प्यो दी लाश ते आ डिग पई। ये तां पता ही है जिदा दा मर्जी पिता होवे पर बच्चों तो पिता का दुख बर्दाश्त नहीं होंदा, घर विच इदां दी अनहोनी वापर जे अनहोनी भी समय तो पहला बेवकत मौत मारिया गया ते परिवार दे विच तनाव वाला माहौल हो गया। बाकी आपां बेटे नैक्सट क्लास करांगे, तुसी कहानी रीड करनी है, तुहाडा होमवर्क यही है 2-3 days च कहानी रीड कर लेना, 2-2 page करके कर लो क्योंकि लंबी कहानी है, तुहानूं कहानी समझ तां आ ही गई होनी है,
पूरी तुहानूं शॉर्ट स्टोरी सुना दित्ती है, इह तुसीं हुण चंगी तरह पढ़ लेना बेटे। कहानी अपनी हुण मंडे आनी है क्लास, उदों तक तुहाडी कहानी बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ी होए, इहनूं समझण समझ के आपां 2 मार्क्स क्वेश्चन ते 1 मार्क क्वेश्चन करांगे। थैंक यू बेटे।